नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रत्याशा मिश्रा आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर, और मैं लेकर के आती हूं आपके लिए हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के तौर पर। और ये UPPCS, UPSC और भी जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए, इनमें जिसमें भी आपको हिंदी साहित्य का अध्ययन करना है उसके लिए एक ये उनके सिलेबस का एक कम्बाइंड सीरीज़ है ये, और इसमें ये आपको हर एग्ज़ाम के लिए बराबर लाभदायी होगी ये। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छायावाद और प्रगतिवाद पर। तो अगर ये जो वीडियोज़ हैं ये तो आपके लिए फ्री हैं, अगर आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए ये हमारा कॉल या फिर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम छायावाद से। तो छायावाद की जो समय सीमा है वो है 1918 से 1936। छायावाद बेसिकली या ये कैसे कि सामान्य रूप से 1918 के आसपास की जो हिंदी कविता थी और जो अपनी एक अलग छवि बना रही थी या ये कह सकते हैं एक अभिनव छवि बना रही थी, उसके लिए आलोचकों ने छायावाद की संज्ञा दी। और छायावाद के नामकरण के संदर्भ में बहुत लोग बहुत समय तक ये नहीं जान पाए कि ये नाम किसका दिया हुआ है। फिर बाद में ये बात सामने आती है, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का एक साक्षात्कार था जिसमें उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि ये नाम मुकुटधर पांडे का दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि छायावाद के उदय का कारण क्या था। देखिए, जब भी कोई नई प्रवृत्ति साहित्य में या नया वाद जुड़ता है या कुछ नई चीज़ें जब भी साहित्य में जुड़ती हैं तो उसके पीछे का जो भी परिवेश रहा होता है उसमें और तत्कालीन समाज के उसमें बदलाव में एक तरीके का घर्षण काम कर रहा होता है, जो कि जिसके कि फलस्वरूप साहित्य को एक नई प्रवृत्ति मिलती है, जो कि साहित्य को एक नई दिशा और नई गति देती है। यही इसी तरीके से जो भी जितनी भी नए वाद जुड़े साहित्य में आगे चल करके, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कविताओं के जितने नए स्वरूप जुड़ते चले गए, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं वो सामाजिक मानसिक बदलाव काम कर रहा था, जिसकी वजह से नई नई प्रवृत्तियाँ साहित्य में जुड़ती चली गईं और हिंदी साहित्य का ये व्यापक रूप आज आपके सामने निखर करके सामने आता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला कारण था उदय का वो ये था कि रीतकालीन जो जो श्रृंगारिकता थी, जो कि रीतकालीन कविताओं में जो अतिशयोक्तिपूर्ण श्रृंगारिक वर्णन या कामुकता का वर्णन जो था उससे, और द्विवेदी योगीन काव्य की जो इतिवृत्तात्मकता थी, एक ही बात के बार बार दोहराव, वही राष्ट्रीयता और वही देश प्रेम, ये सारी चीज़ें थी इससे। फिर नैतिकता और आदर्शवाद कि हर प्रत्येक कविता हो या कहानी हो या फिर जो भी गद्य लिखे जा रहे थे, निबंध लिखे जा रहे थे, पत्र पत्रिकाएं जो भी प्रकाशित हो रही थी, उन सब में इन्हीं बातों की बार बार दोहराव से जो पाठक था वो ऊब चुका था, जिसकी वजह से कि जो साहित्यकार था वो उस साहित्य के प्रति लोगों में रुचि कहीं ना कहीं कम होने लगती है, वही चीज़ें बार बार पढ़ते। तो इसके विरुद्ध छायावाद का उदय होता है, जिसमें कि कुछ नई प्रवृत्तियां कवियों ने साहित्य में जोड़ने का प्रयास किया। तो छायावाद के कवियों पर जो था वो अंग्रेजी और बंगला के स्वच्छंदवादी काव्य का प्रभाव पड़ा। वजह ये थी कि वो बदलाव खोज रहे थे और बदलाव के लिए उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की ओर रुख किया, और जब अंग्रेजी साहित्य की ओर उन्होंने रुख किया तब वहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की। ठीक है, बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर आपको पता है पहली बार फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो चुकी है और शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब के तौर पर बंगाल जाना जा रहा था, और वहाँ पर अंग्रेजी सभ्यता का बहुत अधिक प्रभाव था, जिसकी वजह से अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी रहन सहन, इन सब से प्रभावित होकर के साहित्यकारों ने अंग्रेजी साहित्य की ओर जब रुख किया तो वहाँ से वो उसकी जो स्वच्छंदतावादी काव्य जो अंग्रेजी साहित्य में पाया जाता है उसका प्रभाव इन कवियों पर बहुत अधिक पड़ा, जो कि उनकी रचनाओं में देखने को हमें बराबर मिलता रहता है। तो छायावाद के उदय के पीछे का जो तीसरा प्रमुख कारण था वो था चेतना। ठीक है, पंत, निराला जैसे कवि जो थे वो विवेकानंद से प्रभावित थे और अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। उसी तरीके से महादेवी जो थी वो उपनिषद के तत्वज्ञान से प्रभावित थी,
प्रसाद जी जो थे वो प्रत्यभिज्ञा दर्शन, जो कि आपको उनके कामायनी में बहुत सुंदर देखने को मिलता है। कामायनी पर एक प्रश्न भी प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आता है, तो इससे प्रभावित थे। लेकिन इन सभी चीज़ों को मिला करके कहा जा सकता है कि छायावाद का जन्म जो था वो अपनी युगीन परिस्थितियों की देन था। ये सारी चीज़ें उसके पीछे काम कर रही थी। तीसरी चीज़ अब जो आती है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इसके नामकरण पर थोड़ी बात करेंगे हम, सीमा पर और इसके परिवेश पर कि क्या परिवेश काम कर रहा था। ठीक है, तो नामकरण की अगर बात करें तो छायावाद आधुनिक हिंदी कविता के उस वाद का नाम है जो कि मैंने बताया अभी कि 1918 से 1936 तक कि हिंदी काव्य की प्रमुख काव्यधारा रही। इसके नामकरण और परिभाषा के संबंध में बहुत ऊहापोह की स्थिति है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको अंग्रेजी, इसका संबंध अंग्रेजी के फैंटा समेटा से जोड़ा। नंदुलारे वाजपेयी ने इसका संबंध युगबोध से जोड़ते हुए इसको आध्यात्मिक छाया का भान कहा। ठीक है, मुकुटधर पांडे ने तो इसे कविता नहीं माना, उन्होंने कहा कि कविता नहीं है, कविता की छाया माना। ठीक है, इसलिए इसको यही बेसिकली यही बात थी कि इन्होंने इसको छायावाद का नाम दिया। फिर सुशील कुमार ने इसको कोरे कागज की तरीके से अस्पष्ट निर्मल ब्रह्म की विषद छाया, वाणी की निरवता, बहुत बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसको कही। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इसकी परिभाषा देते हैं वो ये देते हैं कि छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम थी। ये केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था बल्कि कवियों के भीतर व्याकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो कहते हैं वो कहते हैं छायावाद शब्द का प्रयोग जो है वो दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। इसका मतलब अर्थात कि जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन कर के अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है, ऐसा कहते हैं शुक्ल जी। नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव, मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। इसी तरीके से बहुत सारी परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। दो और परिभाषाएं इसमें बहुत मुख्य हो जाती हैं, मुकुटधर पांडे की और जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो मुकुटधर पांडे ये कहते हैं कि ये कविता न होकर कविता की छाया है, परमात्मा के प्रति प्रणय रहस्यवाद है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति के प्रति प्रणय छायावाद है। ठीक, जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत छायावाद की विशेषता है, ऐसा जयशंकर प्रसाद ने कहा है। ये दो मैंने स्पेशल इसलिए कोट किया क्योंकि ये ऑप्शनल में कई बार पूछ देता है कि ये किसका कोटेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुकुटधर पांडे ने छायावाद के जो प्रवर्तक रहे, उन्होंने छायावादी कविता पर एक लेखमाला निकाली जो कि जो श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुई, जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी। उसका प्रकाशन वर्ष 1920 है। 1920 में ये लेख उनके सामने आते हैं। ठीक है, और इसमें चार लेख उन्होंने लिखे थे। पहला जो लेख था वो कवि स्वातंत्र पर था। ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, कवि स्वातंत्र है ये। ठीक है, तो कवि स्वातंत्र पर पहला लेख था उनका, और जो दूसरा लेख था वो था छायावाद क्या है, और तीसरा लेख जो तीसरा और चौथा लेख जो था ये छायावाद क्या है, ये दूसरा लेख है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, कवि स्वातंत्र और छायावाद क्या है, ये दो लेख थे। इसके अलावा हिंदी में छायावाद शीर्षक से दो लेख थे। ठीक है, पहले लेख में लक्षणबद्धता से मुक्त स्वच्छंद लेखन पर प्रकाश डाला गया, जहाँ पर कवि स्वातंत्र की बात की गई है। वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो पारंपरिकता जो कविता में चली आ रही थी, जिसको कि कविता का मानक तय कर दिया गया था, जैसे तुकांतता होनी चाहिए, लाक्षणिकता होनी चाहिए, अप्रस्तुत योजना होनी चाहिए, बिंब होने चाहिए, ठीक है, और छंदबद्धता होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों से मुक्त होकर के एक स्वच्छंद काव्य
जो लिखा लिखने के लिए प्रेरित जो कवि है उसमें कवि स्वातंत्र की जो भूमिका जो होती है उस पर इन्होंने ये लेख लिखा, पहला जो लेख लिखा कि वो लक्षणबद्धता से मुक्त स्वच्छंद लेखन पर प्रकाश डाला। ठीक है, दूसरे में छायावाद की प्रकृति और प्रवृत्ति आलोकित की गई, उसके उस पर प्रकाश डाला गया कि छायावाद की प्रकृति और प्रवृत्ति कैसी होती है या क्या है। और अंतिम के दो लेखों में छायावाद पर किए गए आरोपों का समाधान प्रस्तुत किया गया। तो इस तरीके से छायावाद का आरंभ 1918 ही स्वीकार किया जाता है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी सम्मत 1975 माना है। ठीक है, अब हम इसके परिवेश की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने हर उसकी परिवेश की बात की है कि किस परिवेश में ये पल रही थी ये कविताएं या ये साहित्य जिसमें कि इसका निर्माण हो रहा था, उसके उस परिवेश के विषय में भी जान लेना आवश्यक होता है। तो क्योंकि किसी भी साहित्य का जो स्वरूप निर्धारण होता है वो तत्कालीन परिवेश से प्रतिबद्ध होता है। युग की चेतना साहित्य की नियामक होती है, फिर वर्तमान राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक और परिस्थितियाँ जितनी भी होती हैं वो जो भी आगत साहित्य है उसको एक अभिनव दृष्टि और दिशा प्रदान करती है। ठीक है, तो जो छायावाद है वो अपने इसी युग की उपज है या इसकी देन है। ठीक है, तो इसके परिवेश या प्रभाव को थोड़ा सा देखते हैं। तो जो पहला है इसमें राजनीतिक परिवेश, तो छायावाद के सीमांकन से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि छायावाद दो विश्व युद्धों के मध्य का साहित्य है। ठीक है, जिसमें ये जो समय है ये पहले विश्व युद्ध की समाप्ति यानी 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1938 के आरंभ का था। ठीक, राजनीति में ये समय गांधीवाद के प्रभाव का था और साहित्य जो है वो छायावाद का है। राजनीतिक स्थिति जो है वो बहुत एक भयावह कह सकते हैं आपके, उस वक्त बहुत भयावह माहौल था और अंग्रेजी शासन का आतंक चारों ओर व्याप्त हो गया था। इस तरीके से 1918 से 1936 ईस्वी तक भारतीय इतिहास के लिए स्वतंत्रता कामी जो भारतीयों और साम्राज्यवादी दमन नीति वाले अंग्रेजों के बीच बहुत एक घनघोर संघर्ष का काल रहा ये। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की जन और धन से पर्याप्त सहायता की, लेकिन इस सहयोग के प्रतिदान में जब कुछ नहीं मिलता है तो वो असहयोग आंदोलन करते हैं, साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, डांडी सत्याग्रह करते हैं, इस तरीके की बहुत बहुत आंदोलन और हड़तालों के लिए वो विवश हो गए। फिर सन 1936 में लखनऊ अधिवेशन के बाद से करो या मरो की संकल्पना आती है। फिर ये जितने भी संपूर्ण आंदोलन उस समय की मुक्तिकामी जन चेतना की प्रबलता के प्रमाण हैं और जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत को स्वतंत्र करने के लिए विवश कर दिया था। ठीक है, तो ये थे हमारे राजनीतिक परिवेश उस समय का। दूसरा है सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश की अगर बात करें तो छायावादी सामाजिक परिवेश बहुत ही असंगत था। ठीक है, संपूर्ण भारत जो है वो दो वर्गों में विभक्त था। ठीक, पहला जो था वो था शोषक, जो भोग विलास से पूर्ण रूप से लिप्त था, और दूसरा था शोषित जो कि बहुत ही दीनहीन दशा में बहुत कारुणिक जीवन में विलाप कर रहा था। ठीक है, प्रथम वर्ग में अंग्रेज अफसर आते थे, सामंत आते थे, अंग्रेजों के पिछलग्गू आ जाते थे। दूसरे वर्ग में भारतीय लोक जीवन का एक बहुलांश जनता थी और समाज में अनेक रूढ़ियाँ और विषमताएँ थीं, बाल विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, वाह्या डंबर, बहुत सारे जो सामाजिक अभिशाप थे उस वक्त व्याप्त थे समाज में। अगली जो है वो है हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक परिवेश। तो 19वीं शती में अंग्रेजी शिक्षा का तूफान एक तरीके से कह लीजिए कि वो चारों ओर फैल रहा था। ईसाई मिशनरियाँ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में संलग्न थीं, अपने मत धर्म की व्यापक प्रतिष्ठा के लिए वो भारतीय धर्म और संस्कृत की व्यर्थता को प्रतिपादित करती थीं, और इन विडंबनाओं से घिरे व्यक्ति से कोई प्रगति की कामना कैसे कर सकता था। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है यहाँ पर वो इतना ज़्यादा समस्याओं में, इन्हीं अपनी सामाजिक समस्याओं में, इतना ज़्यादा सांस्कृतिक और धार्मिक समस्याओं में इतना ज़्यादा उलझा हुआ था कि उसके पास उससे निकलने का, उस बवंडर से निकलने का कोई रास्ता
नहीं दिख रहा था। तो ऐसी विसंगतिपूर्ण स्थिति में यहाँ के विचारकों के समक्ष एक प्रश्न उपस्थित कर दिया और उनके सामने एक विरोध भाव जागृत हो गया। इसलिए ये भयावह आतंक को समाप्त करने के लिए भारतीय पुनर्जागरण का व्यापक आंदोलन प्रारंभ होता है, जिसके नेता राजा राममोहन राय थे। स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, तिलक और गांधी जैसे धर्म नेता और राजनेता जो है इस धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चुनौतियां जो भी थीं, उन इन लोगों ने उसको स्वीकार किया और अंधविश्वासों, रूढ़ियों, पलायन और निराशा का जो भाव आ गया था उसके प्रति बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रबल विरोध किया। और इसके साथ ही साथ भारत की शक्ति, सामर्थ्य, गरिमा, सचेतन मूल्यों की तरफ जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करने लगते हैं करते हैं। आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ये होता है कि उस समय सामाजिक जीवन में जागरूकता आनी शुरू हो जाती है और जीने के लिए एक नए क्षितिज का उद्घाटन होता है। ठीक, अगली जो विशेषता, इसमें जितना बोला जाएगा उतना कम है, आप सभी ने इतिहास पढ़ा होगा, बस ये सिर्फ एक रिवाइंड कर लीजिए उस समय को, जिससे कि आपको इस समय के साहित्य को समझने में आसानी मिले। मेरा उद्देश्य बस यही इतना होता है इन सब चीज़ों को बताने का। चौथा है आपका साहित्यिक परिवेश। तो छायावाद के साहित्यिक परिवेश की जो पृष्ठधारा थी वो द्विवेदी युगीन साहित्य है। ठीक है, द्विवेदी युगीन काव्यधारा इतिवृत्तात्मकता, गद्यात्मकता, स्थूलता, उपदेशात्मकता, इन सब से बहुत अधिक संपृक्त थी, जिसके कारण ये पूरा साहित्य जो द्विवेदी युगीन साहित्य था ये बहुत शुष्क और नीरस हो गया था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता को उपदेश का उपादान कहा। फिर द्विवेदी युग में श्रृंगार और अभिव्यंजना का बहिष्कार हो गया। ठीक है, इन सब बातों की अनुक्रिया में अवसर पा करके जो छायावादी कविता वो नवीन संवेदना और शिल्प को लेकर के अवतरित होती है। उसमें द्विवेदी युगीन वर्णनात्मकता की उपेक्षा हुई और सूक्ष्मता, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, व्यंजकता, इन सब का एक व्यापक प्रतिष्ठा होती है और इन सब के साथ लेकर के तब छायावादी कविता अपना एक स्वरूप, एक वृहद स्वरूप ग्रहण कर पाती है। ठीक है, ये हो गया छायावाद। अच्छा, एक और कन्फ्यूज़न बना रहता है लोगों में छायावाद को जब आप पढ़ते हैं, तो छायावाद और रहस्यवाद के बीच का अंतर क्या होता है? कुछ मौलिक अंतर हैं छायावाद और रहस्यवाद के बीच में, जिसको किस तरीके से समझा जा सकता है कि छायावाद जो है वो लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है इसमें। ठीक, और रहस्यवाद में पारलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना मिलती है। ठीक है, छायावाद में वैयक्तिकता और अस्तित्व बोध की प्रधानता होती है, रहस्यवाद में अहम का परित्याग और इसमें वैयक्तिकता जो है वो प्रधानता है। ठीक, तीसरा जो है ये छायावाद वो गोचर प्रकृति में ब्रह्म की छाया देखता है और रहस्यवाद जो है वो गोचर जगत की उपेक्षा करता है और जल्द से जल्द ब्रह्म में लीन हो जाने की कामना करता है। ठीक है, ये तीन इसके मुख्य अंतर हैं छायावाद और रहस्यवाद के। हमारे यहाँ महादेवी वर्मा छायावाद को लेकर के आती हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद छायावाद को लेकर आते हैं, निराला छायावाद को लेकर आते हैं, पंत छायावाद को लेकर के आते हैं, कबीर रहस्यवाद को लेकर के आते हैं। ठीक है, इन बातों को थोड़ा सा आप अपने ध्यान में रखिएगा। जैसी रहस्यवाद को लेकर के आते हैं, महादेवी वर्मा ने भी कहीं कहीं दार्शनिक रहस्यवाद लेकर के वो आती हैं। जयशंकर प्रसाद में भी थोड़ा शैव दर्शन देखने को मिलता है, अद्वैतवाद दर्शन देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको कि हम रहस्यवाद, ज्ञानात्मक रहस्यवाद कहते हैं, अद्वैतवादियों का जो रहस्यवाद है उसको ज्ञानात्मक रहस्यवाद भी कहा जाता है, वो भी देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत कम है। ठीक है, तो छायावाद और रहस्यवाद में बेसिकली ये मुख्य अंतर हैं, इसको समझना चाहिए हमें। अगली चीज़ जो है वो छायावादी कविता की विशेषताएं हम देख लेते हैं, कुछ की छायावादी कविता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो सबसे पहली जो विशेषता है इसमें छायावादी कविता की, वो है आपकी वैयक्तिकता। ठीक है, तो वैयक्तिकता छायावाद की प्रधान भावधारा कही जा सकती है और छायावाद युग में कवियों का विषय हो गया था आत्मकथा और शैली जो थी वो हो गई थी मैं। ठीक है, तो छायावादी काव्य में
जो निजी बातें थीं वो जिस ढंग से कही गईं वो पहले कभी उस तरीके से नहीं कहा गया। जैसे कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं तो अबाध गति मरुत सदृश हूँ चाह रहा अपने मन की, ये सभी वैयक्तिकता के उदाहरण हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं भाव देखने को मिलता है। अगला है नवीन सौंदर्य बोध। तो छायावादी कवियों ने नारी को भोग्या से ऊपर उठा करके देवी, माँ, सहचरी, प्राण, प्रिया, इन सभी विविध रूपों में उसको प्रतिष्ठित करके एक नए सौंदर्य बोध का परिचय दिया। और प्रसाद ने नारी का आदर्श श्रद्धा में इस तरीके से देखते हुए वो कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ठीक है। तो इस तरीके के नए सौंदर्य बोध नारी के प्रति आते हैं, छायावादी कवियों में देखने को मिलते हैं। अगला है स्वच्छंद कल्पना। तो ये छायावादी कवियों का एक कह सकते हैं आपकी एक अभिन्न अंग थी स्वच्छंद कल्पना। और कल्पना छायावादी कवियों के मन की आप ये कह सकते हैं कि पांख थी, और वह अपनी स्वतंत्रता, मुक्ति, विद्रोह, चेतना, इन सभी विभिन्न आकांक्षाओं का प्रतीक थी ये उनकी स्वच्छंद कल्पना, ठीक है। फिर जो अगली विशेषता आती है वो आती है आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता। तो द्विवेदी युगीन कविता में विषय की प्रधानता थी, लेकिन जो छायावादी काव्य जो थी वो आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता को लेकर के आती, जिसमें व्यक्ति कवि के निज की सुख दुख मई अनुभूतियों की व्यंजना होती है। प्रसाद, निराला, महादेवी, बच्चन और इन सब की रचनाओं में आपको हर्ष विषाद की बहुत गहरी छाया दिखाई देने लगती है। जब कामायनी की श्रद्धा सर्ग में जब प्रसाद ये कहते हैं कि क्या कहूँ, क्या हूँ मैं उद्भ्रांत विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग शून्यता का उजड़ा सा राज। कामायनी के संदर्भ में ये जो यह जो जो थकित और व्यथित, निराश, हताश मनु का परिचय है। युग और जीवन के झंझावातों को झेलते झेलते एक तरीके से ये कह सकते हैं आपकी निराला, इसको जब साथ में पढ़ते हैं तो आपको तो निराला भी आपकी चेतना में आने चाहिए कि उनके जीवन की जो अंतिम वेला में वो बहुत व्यथाग्रस्त हो गए थे। तो मनु के इस बात को पढ़ते पढ़ते मुझे निराला की भी वो पंक्तियाँ याद आती हैं, जब वो कहते हैं दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, जाना जो अर्था गयो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पद पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर, ठीक है। इसी तरीके से आपके भगवती चरण वर्मा का भी एक उदाहरण दिमाग में आ रहा है मेरे, कि पर आज थका सा हारा सा मैं फिरता हूँ मारा मारा, बैठा छोटे से कमरे में वह भी न बन सकेगा अपना, कहता उसका कोना कोना कितने ही आए चले गए, मैं है कितनों को आना जाना, होठों पर ले विषाद रेखा। तो आप जब देख रहे हैं कि एक चीज़ जब आप एक कवि को पढ़ते हैं तो उसके साथ आप बहुत सारे कवियों को उससे कोरिलेट कर सकते हैं, जिसमें कि लगभग उसी तरीके के भाव आपको देखने को मिलते हैं। और यही प्रधानता, इसलिए कहा गया है कि आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता, क्योंकि लगभग सभी कवियों में कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाता है। दूसरा है, अगला जो है वो है प्रकृति के रम्य रूपों की रचना। आपको मानवीय सौंदर्य बोध भी एक इसमें विशेषता आती है, ठीक है, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी मानवीय सौंदर्य बोध। मैंने कुछ प्रमुख प्रमुख चीज़ें ली हैं। तो प्रकृति के रम्य रूपों की रचना आपको देखने को मिलती है। तो प्रकृति विधान की दृष्टि से छायावादी कविता वो बहुत ही कोमल और कमनीय है ना। तो प्रकृति अपने समग्र रूप में छायावादी कविता में विद्यमान होती है, और प्रकृति के कवि कहे जाते हैं पंत, और उनकी बहुत सुंदर और बहुत प्रचलित पंक्तियां हैं कि छोड़ द्रुमो की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, है ना। फिर ऐसे ही संध्या सुंदरी का बहुत मानवीय रूप निराला के शब्दों में अगर कहा जाए तो दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी, परी सी धीरे 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 प्रसाद कहते हैं वसुंधरा का, एक मनोज्ञ चेतनीकरण करते हुए वो कहते हैं कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय नशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये, और ये बिल्कुल ऐसी पंक्तियां हैं जो कि पढ़ करके दिमाग में बिल्कुल अंकित हो जाती हैं, वो हटने का नाम नहीं लेती हैं।
महादेवी वर्मा जब प्रकृति की बात कहती है तो वो कैसे कहती है, वो कहती है कि चितवन तन श्याम रंग इंद्र धनुष भ्रिकुटी भंग विद्युत सा अंग विद्युत सा सॉरी विद्युत का अंग राग उड़ता नभ में अछोर तेरा नव नील चीर। बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है ये। डॉक्टर नगेंद्र कहने को मजबूर हो जाते हैं कि छायावादी कविता में प्रकृति दो रूपों में प्रस्तुत हुई है, एक तो कोलाहल से दूर शांत स्निग्ध विश्राम भूमि के रूप में और दूसरे प्रकृति के रूप में। रूप ऐश्वर्य और स्वच्छता जो कि जीवन में नहीं मिलती लेकिन प्रकृति में बहुत प्रचुर मात्रा में मिलती है, तो उसके प्रति कवियों का आकर्षण बढ़ जाने से उसके प्रतीक की अधिक रुचिकर और प्रिय लगने वाले कविताएं इसमें देखने को मिलती हैं। तो प्रतीक का जो प्रतीक मेहता की दृष्टि से अगर आप देखें तो पंत की जो द्रुत झरो शीर्षक से एक कविता है जिसकी की पंक्तियां कुछ ऐसी हैं कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र हे ग्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण हिमताप पीत मधुपात भी मधुवात भीत तुम वीत राग जड़ पुरा चीन। इस तरीके से करके है ये द्रुत झरो कविता, बहुत सुंदर कविता है। अगर आपको मिल जाए तो इसका आप उद्धरण जरूर दीजिएगा अपने आंसर में। इसी तरीके से फिर निराला कहते हैं कि वह टूटे तर की छुटी लता सी दीन दलित भारत की ही विधवा है। तो संपूर्ण जो छायावादी कविता है उसको हम प्रकृति जात कह सकते हैं कि प्रकृति जात की कविता है ये, पूरी प्रकृति की बहुत सुंदर कल्पना इसमें की गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर अगली है रहस्य भावना। तो जो रहस्य भावना है ये छायावादी कविता की बहुत विशिष्ट प्रकृति है और इसी के इसको संलक्ष करके आचार्य शुक्ल ने इसको रहस्यवाद का पर्याय मान लिया था, लेकिन उसकी यह मान्यता उनकी ये मान्यता जो थी ये वस्तु संगत नहीं थी क्योंकि छायावाद रहस्यवाद नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको इसलिए पहले अंतर बता दिया। तो वो छायावाद को आगे के आगे का सोपान है रहस्यवाद, ठीक है। रहस्यवाद महादेवी जी की एक अंतर्डीय जिसको वेदना की विवृद्धि है वो क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि क्या पूजा क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे मेरी सांसें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन रे। तो ये थोड़ा सा एक छायावाद से एक थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ कर के ये भाव लेकर के आता है, तब वो थोड़ा सा रहस्यवाद में जाता है। फिर प्रसाद जब कहते हैं कि हे विराट हे विश्वदेव तुम कुछ हो ऐसा होता भान है, तो ये एक अलग वो लेकर के। फिर इसी तरीके से मौन निमंत्रण कविता आप याद कीजिए पंत जी की जिसमें कि जिज्ञासा में रहस्य भावना से अनुप्राणित वो दिखाई देते हैं। उस फैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही माँ वह अपनी वैवाली में सजा हृदय की थाली में, है ना। तो ये है रहस्य भावना जो कि छायावाद से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ करके देखने को मिलती है। तो ये रहस्य भावना है रहस्यवाद नहीं है, रहस्य भावना और रहस्यवाद के बीच में थोड़ा अंतर है। अगला जो विशेषता है ये है श्रृंगार भावना की विशेषता। तो छायावादी कविता मुख्यतः श्रृंगारिक है क्योंकि उसका जन्म जो है वो व्यक्तिगत कुंठाओं से हुआ है, तो ये कुंठाएँ काम के चारों ओर केंद्रित हैं। छायावाद में श्रृंगार के प्रति उपभोग का भाव जो है वो नहीं मिलता है, उसमें विस्मय का भाव मिलता है, ठीक है। इसलिए उसकी अभिव्यक्ति जो है वो स्पष्ट और मानसल नहीं होकर के वो कल्पनामय और मनोमय है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र का कहना है, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि ये कोटेशन जो है ये डॉक्टर नगेंद्र का ही है जो मेरे दिमाग में इस वक्त चल रहा है। आप देख करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कोटेशन किसका है। जहाँ तक मुझे पता है ये डॉक्टर नगेंद्र का है, लेकिन आप भी खोजिएगा कि ये कोटेशन किसका है। निराला जो है वो अपनी एक कविता उनकी है शेफालिका, है ना, उस कविता में श्रृंगार का उन्होंने बहुत मानसल वर्णन करते हुए कहा है कि बंद कंचुकी के सब खोल दिए प्यार से यौवन उभार के पल्लव पर्यंक पर सोती शेफाली के मूक आह्वान भरे लाल सी कपोलों के व्याकुल विकास पर झड़ते हैं शिशिर से चुंबन गगन के। तो इस तरीके से छायावादी कवियों में श्रृंगार वर्णन जो है वो बहुत मनोमय है, ऐसा कहा जा सकता है। अगली जो विशेषता है वो है वेदना की वृत्ति। बहुत सारे उदाहरण देने लगूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप बाकी के उदाहरण आप खोजिएगा इसमें, और ज़रूर अगर आपको इससे मिलते जुलते उदाहरण मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। वेदना की विवृत्ति, तो वेदना जो है वही कविता की जननी मांगनी गई है। वियोगी को कवि की संज्ञा प्रदान की गई है। रामशंकर त्रिपाठी वेदना कवि और
कविता की अन्योन्याश्रितता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा है कि सहस्रों वर्षों की कृति कवि और मर्मी भावक इस काव्योन्मेषी व्यथा कथा को अपने अपने ढंग से कहते अनुभवते चले आ रहे हैं। ठीक है, कालिदास कहते हैं कि श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः, है ना, शेली ने भी कहा है, जो आपके पोएट हुए हैं, इंग्लिश पोएट हैं शेली, वो कहते हैं कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। ठीक है, इसी तरीके से पंत ने भी कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। महादेवी कहती हैं कि विश्व जीवन में अपने जीवन को विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है। प्रसाद कहते हैं जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये सभी वेदना जो है ये आपको देखने को, वेदना की विवृति आपको इस तरीके से देखने को मिलती है बार बार छायावादी कविताओं में। अगला जो है वो है मानवतावादी दृष्टिकोण। तो छायावादी कवि अपने विभिन्न परिवेशों और संस्कारों के बावजूद जिस प्रकार विचार भूमि पर पहुंचते हैं, उसी तरीके से मानवतावाद कहा जा सकता है, उसे मानवतावाद आप कह सकते हैं उसको। तो छायावाद हिंदी साहित्य का ऐसा कालखंड है जिसमें मानव जीवन अपनी संपूर्ण विराटता के साथ प्रकट हुआ, और प्रसाद जी ने अपनी देश कालजयी कृति जो थी उनकी कामायनी, उसमें मानव कल्याण की भावना से आंदोलित होकर के वो लिखते हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उनका करे समस्त विजयनी, मानवता हो जाए। फिर एक अगली पंक्ति है, उसके बाद से फिर अगली पंक्ति है कि आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। इस तरीके से है ये चारों पंक्तियाँ, इसकी मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल। अगली जो विशेषता है इसकी वो है राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता मैंने बताया कि नामवर सिंह ने इसको बहुत अच्छा कोट करते हुए लिखा है कि ये जरूर है कि सभी कवियों में समान रूप से इस भाव की कविताएं नहीं लिखी, लेकिन ये सच है कि सभी कवियों ने राष्ट्रीय आंदोलन के किसी न किसी पहलू को यथाशक्ति चित्रित करने की चेष्टा अवश्य की है। ठीक है, फिर जैसे एक जब भी राष्ट्रीयता की बात होती है तो सबसे पहले जागो फिर एक बार कविता दिमाग में आती है। भारत की सांस्कृतिक गरिमा और राष्ट्र जागृत की भावना को एक साथ व्यक्त करते हुए जब निराला ये कहते हैं कि जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण ज्ञान गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी की आप पुष्प की अभिलाषा कविता याद कीजिए। राष्ट्रीयता की भावना का बहुत दर्शनीय उदाहरण, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, ये सभी आपकी राष्ट्रीयता की के उदाहरण हैं। अगला जो है वो है दार्शनिक चिंतन। तो छायावादी रचनाकारों की रचनाओं में वेदों उपनिषदों का बहुत प्रभाव दिखाई पड़ता है, साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, गांधी, महर्षि अरविंद की विचारधारा की छाप देखने को मिलती है। छायावादी कवि की जो विचरण भूमि है वो अद्वैतवाद या जिसको कि हम सर्वात्मवाद कह सकते हैं, तथा उसकी विभिन्न शाखाएं जो विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शैवाद्वैतवाद, है ना, ये सभी हैं। और छायावादी पंत ने हीगेल और बर्गसा इन सब की कुछ जो थोड़े बहुत पाश्चात्य दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति बहुत जो है वो एक व्यामोह या ये कहिए कि सहानुभूति प्रकट की है, लेकिन उनका जो प्रतिष्ठापन था उन्होंने भारतीय दर्शन की परिधि में किया है, उन्होंने उसको पूरा का पूरा उसी तरीके से नहीं ले लिया, उन्होंने उसको भारतीय दर्शन की परिधि में उनको वो उसको लेकर के आते हैं और तब फिर वो रचनाएँ अपनी करते हैं। इसी तरीके से प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी के काव्य में दर्शन के आपको बहुत सारे रूप आपको दृष्टिगत होते हैं। प्रसाद ने आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है, तो इस सिद्धांत में उन्होंने शैवागमों से प्रभावित होकर इसको ग्रहण किया और कामायनी के माध्यम से वो कहते हैं समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलस्ती आनंद अखंड घना था, है ना। फिर पंत ने वेदों उपनिषदों और भारतीय दार्शनिकों जैसे अरविंद, गांधी, विवेकानंद इन सबसे प्रभावित होकर काव्य रचना की। प्रेम ही ईश्वर है कहने वाले जो विवेकानंद हैं उनसे
प्रभावित थे पंत, और फिर वो लिखते हैं कि मनुज प्रेम से जहाँ रह सके मानव ईश्वर, और कौन सा स्वर्ग चाहिए तुझे धरा पर। महादेवी वर्मा की कविता में आपको बहुत अद्वैत दर्शन देखने को मिलता है। वो कहती हैं कि तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, काया छाया में रहस्य में प्रेयस प्रियतम का अभिनय किया, है ना। निराला जी जो है वो ज्ञान भक्ति और योग का समन्वय पर बल देते हुए वो कहते हैं कि भक्ति योग कर्म ज्ञान एक ही है, यद्यपि अधिकारियों के निकट भिन्न दिखते हैं, एक ही है दूसरा नहीं है कुछ, द्वैत भाव ही है भ्रम, तो फिर प्रिय भ्रम के ही भीतर से भ्रम के पार जाना है। नंदलाले वाजपेयी ने इस इन चीज़ों को कोटेशन कोट करते हुए कहा है कि भारतीय परंपरागत जो आध्यात्मिक दर्शन की नव प्रतिष्ठा का वर्तमान अनिश्चित परिस्थितियों में ये एक सक्रिय प्रयत्न है। और फिर वो आगे लिखते हैं कि आधुनिक परिवर्तनशील समाज व्यवस्था और विचार जगत में छायावाद भारतीय आध्यात्मिकता की नवीन परिस्थिति के अनुरूप स्थापना करता है। ये आचार्य नंदलाले वाजपेयी का कोटेशन है। ये अगर आपको पूरा कोटेशन कहीं मिल जाए तो उसको जरूर याद करके रखिएगा अपने साथ। अगली जो विशेषता है, दार्शनिकता पे बात करने में बहुत लंबा चर्चा हो जाती है इस पर, अगली जो विशेषता है वो है विज्ञान का प्रभाव। तो जो ये युग था, ये विज्ञान का युग था, इसमें बहुत सारे नए आविष्कार हो रहे थे। छायावादी कवियों ने, औद्योगिकीकरण हो रहा था, है ना, तो छायावादी कवियों ने इस वैज्ञानिक चेतना को ग्रहण किया, और अतिशय बौद्धिकता इसी वैज्ञानिक चेतना की उपज है, ठीक है। जब प्रसाद ने कामायनी में बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा की, और इसी तरीके से इसी प्रभाव के कारण आप ये कह सकते हैं कि वो शक्ति संचय पर बल देते हैं, और कहते हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उनका करें, समस्त विजयनी मानवता हो जाए, ठीक है। तो साहित्य जो है युग सापेक्ष होता है, वो जो कि वो युग जो विज्ञान का युग है उसके, ठीक है। तो इसलिए चाहे भाव से और चाहे कुभाव से, विज्ञान के प्रभाव से छायावादी कविता वो बच नहीं पाई है, और यथास्थान इन कवियों ने इससे भी अपना स्वर प्रदान किया है। तो इस तरीके से विज्ञान का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। अगली जो विशेषता है वो है इसका भाषाई भास्वरता और शब्द विन्यास। तो खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, परिष्कार और परिमार्जन का काम द्विवेदी युग में ही संपन्न हो गया था। छायावादी कविता में खड़ी बोली ने अपना एक काव्यात्मक और कलात्मक रूप प्रदान किया। छायावादी कवियों का जो शब्द भंडार है वो संस्कृत की तत्सम शब्दावली, बंगला, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, देशज, इन सभी शब्दों से संपन्न और समृद्ध है। तो निराला की जूही की कली बंगला से प्रभावित है, अंग्रेजी ने तो इन कवियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, और निराला की जो संस्कृत निष्ठ समास बहुत पदावली उनकी आप देख सकते हैं कि जब वो कहते हैं कि अनिमेश राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव विद्दांग बद्ध को दंड मुष्टि खर रुधिर श्राव, इस तरीके से है। ये मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद आप देख लीजिएगा अगर कोई त्रुटि हो तो, ये खोज लीजिएगा आप। अगला जो है इसके साथ साथ आपको अप्रस्तुत विधान भी हैं इसमें। तो छायावादी कवियों ने जो अलंकारों का प्रयोग जो है वो किया, वो बहुत चमत्कारी तरीके से नहीं किया, जबकि अलंकारों की अभिव्यक्ति की, ये बहुत सहज और उच्छल धारा में नैसर्गिक रूप में मिल जाते हैं यहाँ पर। तो निराला और पंत अलंकारों के को काव्य में उपादान नहीं स्वीकारते। वो कहते हैं कि अलंकार लेश रहित, श्लेषहीन, शून्य विशेषणों से नग्न नीलिमासी व्यक्ति भाषा सुरक्षित वह वेदों में आज भी, है ना। तो ये निराला कहते हैं। पंत कहते हैं कि तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो अलंकारों के प्रति ऐसी दृष्टि होने पर भी जो छायावादी कविता में शब्दालंकार, अर्थालंकार और पाश्चात्य अलंकारों में आपको मानवीकरण, विशेषण विपर्यय और ध्वन्यर्थ व्यंजना, इन सब का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, मतलब नए अलंकारों का आपको प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। फिर उपमा उत्प्रेक्षा इनके जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिय अलंकार रहे, और मानवीकरण
तो आप देखते ही चले आए हैं। और एक और बहुत सुंदर राम कुमार वर्मा का एक बहुत अच्छा मानवीकरण का उदाहरण है कि इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले, कहाँ बेचने ले जाती हो हे गजरे वाले, हे गजरे तारों वाले। तो ये कुछ उदाहरण थे अप्रस्तुत विधान के। इसके बाद से फिर आपकी जो आ जाती है अगली, वो है छंद योजना या छंद विधान। तो छायावादी कवियों ने वार्णिक छंदों की अवहेलना करते हुए मात्रिक छंदों का बहुत विस्तार से प्रयोग किया और आतुकांत और मुक्त छंद विधान छायावादी कविता की ये प्रधान विशेषता थी। और क्यों थी ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है उसके उदय के कारण के टाइम पे ही। तो मुक्त छंद के विषय में जब निराला ये कहते हैं कि सहज भाषा में समझाती थी ऊंचे तत्व अलंकार लेश रहित श्लेषहीन शून्य विशेषणों से नग्न नीलिमा सी व्यक्त भाषा सुरक्षित, वह वेदों में आज भी मुक्त छंद सहज प्रकाशन वह मन का निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र। ये जो मैंने शुरू में जो इसके पहले जब मैंने अप्रस्तुत विधान जब मैं बता रही थी उस वक्त मैंने ये बोला था, जिसमें कि एक लाइन ये छूट गई थी इसलिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। तो निराला ने मुक्त छंद के अतिरिक्त रोला और अर्धसम छंदों का में भी रचनाएं की। महादेवी ने रोला सखी लावणी छंदों का प्रयोग किया। वैसे वे मूलतः गीतकार हैं लेकिन प्रसाद जो है उन्होंने श्रृंगार आंसू रूपमाला रोला इन सब छंदों का प्रयोग किया। पंत ने नंदन छंद का व्यवहार करने वाले पहले कवि बने। तो ये सभी इसकी विशेषता, ये सब छंद विधान के अंतर्गत आ जाते हैं। अगली जो विशेषता है वो संगीतात्मकता। तो यह एक स्थापित सत्य है कि छायावादी कविता ने हिंदी को एक अतिशय समृद्ध या समुन्नत और सुसंस्कृत काव्य भाषा प्रदान की। ये मैंने सर्वमान्य है, ये सभी मानते हैं इसको। पढ़ करके भी आपको लगेगा जब आप द्विवेदी युग से अचानक आप द्विवेदी युग इन कविताओं से छायावादी कविताओं की ओर बढ़ते हैं तो आप अनायास ही उसके प्रति आकृष्ट होने लग जाते हैं। तो इस जो अभिनव संश्लिष्ट काव्य भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है वो थी उस भाषा की संगीतात्मकता। ठीक है, तो छायावादी गीतों में बड़ी विविधता है और उन गीतों पर भक्तों की भजन पद्धति बंगाली गीतों अंग्रेजी गीतों उर्दू गज़लों लोक गीतों की लोक धुनों का प्रभाव देखा जा सकता है। प्रसाद का आप कविता पढ़िए खोलो द्वार, वसंत अर्चना, प्रीतम कहो, फिर आप पंथ के मानव भावी पत्नी के प्रति परिवर्तन, निराला की आप यमुना के प्रति बादल राग, जागो फिर एक बार, फिर निराला की ही आप सरोज स्मृति, प्रसाद की आंसू। ठीक है, इन सब पर एलिजी का प्रभाव देखने को मिलता है। एलिजी माने शोक गीत का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, निराला की जो गीतिका का जो 56वां गीत उर्दू की गज़ल के ढंग पर रचा गया है, सरोज स्मृति और आंसू पर मर्सिया का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा के जो गीत हैं वो भाव विपलता के उजास से उज्जवल हैं। फिर महादेवी के जो गीत हैं वो हृदय द्रावक हैं और मार्मिक हैं। वो कहती हैं कि क्या पूजा क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित्यप्रिय का अभिनंदन रे, पदरज के धोने उमड़े आते लोचन जलकण रे। ठीक है, सब मैंने कुल मिला करके छायावादी कविता ने अपनी भाव विधता या फिर वैचारिक गहनता फिर शिल्प सिद्धता से हिंदी कविता को एक बहुत नई गति मति नई दिशा ये दृष्टि ये सब इसको प्रदान किया है। तो इस तरीके से ये है छायावादी कविता की विशेषताएं। अब आ जाते हैं हम कुछ प्रमुख छायावादी कवियों की चर्चा कर लें, बिना इनके कैसे कंप्लीट होगा। छायावादी कवियों के विषय में जानना आवश्यक है। तो छायावादी कवियों में जो सबसे पहला नाम आ जाता है आपका वो आ जाता है जयशंकर प्रसाद का। तो जयशंकर प्रसाद के विषय में जयशंकर प्रसाद को अगर देखें तो इनका जो समय चक्र है वो है 1889 से 1937 ईस्वी, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज, अयोध्या उद्धार, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, करुणालय, कानन कुसुम, फिर झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी इनकी बहुत महत्वपूर्ण काव्यकृतियाँ हैं। चित्राधार इनकी पहली काव्यकृति थी जिसमें कि 1909 से 1912 तक की 5 रचनाएं संग्रहित हैं और इसका पहला संस्करण जो था वो 1918 में प्रकाशित हुआ था। बाकी जो बेसिक जानकारी है जयशंकर प्रसाद के विषय में ये आप सबको बाकी सारी चीज़ें पता हैं, इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बाकी बताने को है नहीं।
अगली, या फिर आपको वो किसी भी किताब में मिल जाएंगी, उनके जीवन परिचय क्या है, क्या शिक्षा दीक्षा थी, ये सारी चीज़ें आपको किसी भी उसमें मिल जाएंगी। इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं होना चाहिए अब इस स्टेज पे आकर के। अब जो जो मुख्य चीज़ें हैं जो, वो यही है कि इनकी जो काव्य रचनाएँ थी वो क्या क्या हैं और उनमें क्या क्या कंटेंट क्या क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या क्या है। तो इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा ध्यान, जो बहुत मुख्य रचनाएँ हैं इनकी, उनके विषय में तो ज़रूर ही जानकारी होनी चाहिए। अगला है, नाम आपका आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो ये 1897 से 1962 ईस्वी तक इनका समयकाल है और जूही की कली इनकी पहली कविता थी 1916 में जो कि लिखी गई। बहुत लोग इसको भी छायावाद की पहली कविता मानते हैं। फिर अनामिका पहला काव्य संग्रह 1923 में आया। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमानय पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्य कली, ये इनके प्रमुख काव्य रहे। फिर अगला नाम आता है सुमित्रा नंदन पंत का। 1900 से 1997 इनका समय है और वीणा 1918 में प्रकाशित हुई, ये पहली थी। इसके बाद से फिर ग्रंथ, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, फिर लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, ये इनके फिर अन्य प्रमुख उसके बाद की रचनाएँ रहीं। फिर अगला नाम जो आता है वो है हमारे महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा का अगला नाम जो आता है वो है चौथा हमारी महादेवी वर्मा का। तो इनका जो समय चक्र था ये था 1907 से 1987 ईस्वी तक था। और निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ठीक है, इन चारों के 185 गीतों का संग्रह जो था वो यामा 1936 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उसमें यामा में कौन कौन से चार गीत संग्रह थे, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, इन चारों को मिला करके 185 गीतों का संग्रह यामा नामक पुस्तक इनकी निकली 1936 में। ठीक है, फिर दीपशिखा प्रकाशित हुई। इसके अलावा अन्य सप्तवर्णा माने वैदिक संस्कृत के जो काव्यात्मक अंशों का अनुवाद है ये सप्तवर्णा नाम से, जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद से फिर हिमालय 1963 में, ठीक है, संपादित कविता संकलन है ये। और फिर संघिनी 1965 में, महादेवी की जो श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है ये। बंग दर्शन 1934 से 1944, काव्य संग्रह में बंगाल के अकाल पर बहुत विभिन्न कवियों की कविताओं का संकलन है ये। कि अगर आपको बंग आंदोलन समझना है, उस समय की परिवेश को समझना है, तो ये जो बंग दर्शन कविता है का जो कविता संग्रह जो है ये आप अवश्य पढ़िए। आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो उस समय के परिवेश को, उस समय के इतिहास को, उसकी दुर्दशा को, उस समय की जो सामाजिक या लोक जीवन में की जो दुर्भिक्षा थी उसको समझने के लिए ये बहुत सुंदर संकलन है बंग दर्शन। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कितने लोगों ने उस वक्त उस इस पर काम किया है। अगला है, ये एक शोध का भी बहुत अच्छा विषय है। अगला है आपकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अगला जो नाम आता है हमारा वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो ये 1905 से 1990, देखिए कहीं अगर त्रुटि होगी तो प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हमें भी पता चलता है कि आप कितने ध्यान से इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कई बार त्रुटि हो सकती है। तो 1905 से 1990 है शायद। तो अंजलि 1924 में इनकी प्रकाशित हुई थी। उसके बाद से फिर अभिशाप आती है। देखिए जिस क्रम में मैं बोल रही हूँ, जो नेट जेआरएफ वाले बच्चे हैं वो चाहे तो इनको नोट कर लें, यही क्रम है इनके प्रकाशन का। ये प्रकाशन काल को जो क्रमानुसार लिखने के लिए आता है तय कर, सॉरी, का जो एक क्वेश्चन आता है उसमें जेआरएफ वाले, सॉरी, नेट या जेआरएफ का जो बच्चे पेपर देते हैं उनमें एक कालक्रम से इसको सही क्रम में लिखने के लिए आता है, तो उस ये उसमें काम दे सकता है आपको। तो राम कुमार वर्मा की बात कर रहे थे हम। तो पहली जो थी इनकी अंजलि, अभिशाप, रूपराश, चित्ररेखा, चंद्रकिरण, संकेत, जौहर और एकलव्य, ठीक है। इसके बाद से फिर अगला जो मुख्य नाम है वह है उदय शंकर भट्ट का। तो तक्षशिला, मानसी, राका, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना, ठीक। इसके बाद से फिर अगला, इसके बाद से जो अन्य महत्वपूर्ण नाम है वो है मोहनलाल महतो वियोगी का। तो इनकी दो थी, दो या तीन, तीन है इनकी
निर्माल्य है 1926, एक तारा का मुझे नहीं ध्यान आ रहा है कि क्या है प्रकाशन वर्ष, और कल्पना 1935, तो एक तारा शायद निर्माल्य और कल्पना के बीच में लिखी गई है, तो एक तारा आप लिख लीजिए मोहनलाल महतो वियोगी का, और इसका आप प्रकाशन वर्ष पता करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि क्या है इसका प्रकाशन वर्ष। अगला जो नाम है महत्वपूर्ण वो है आरसी प्रसाद सिंह का, ये 1911 से 1996 है आरसी प्रसाद सिंह का, तो और इनकी जो रचनाएं थी वो थी कलापी 1938 में प्रकाशित हुई, उसके बाद से संचयिता प्रकाशित होती है इनकी, फिर जीवन और यौवन, नई दिशा, पांच जन्य और प्रेम गीत, ये इनके प्रमुख काव्य रहे। तो ये हो गया हमारा छायावाद। छायावाद के विषय में अगर किसी तरीके की कोई जानकारी छूट रही हो या कोई कन्फ्यूज़न हो आपको, या कहीं आपने कुछ ऐसा देखा हो जिसके विषय में कि आप पूछना चाहते हो, कोई जानकारी लेना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके मुझे बताएं कि आप इसके विषय में और क्या जानना चाहते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रगतिवाद। तो छायावाद के बाद की जो कविताएं जो हुई उसमें छायावाद उत्तर काल उसको कहा गया, जिसमें कि पहला जो प्रवृत्ति, जो काव्य प्रवृत्ति जो थी वो थी प्रगतिवाद की। तो प्रगतिवाद का जो समय है वो 1936 से 1943, ये मैं लिखना भूल गई, 1936 से 1943 माना गया है। तो सबसे पहले इसके अर्थ और स्वरूप पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रगति जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है बेसिकली, और इसका अर्थ ये होता है आगे बढ़ना, उन्नति करना, या फिर ऐसा परिवर्तन लाना जो कि जो वस्तु, गुण या परिणाम में वृद्धि कर सके, ठीक है। हिंदी में इस शब्द का प्रयोग जो है वो अंग्रेजी का जो एक शब्द है प्रोग्रेस, उसके वर्जन में, ये हिंदी वर्जन उसका लेकर के ही आया गया, जो आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ता है, या प्रगति अथवा उन्नति में जिसकी आस्था है, विश्वास है, या फिर उसके लिए वो प्रयत्नशील है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रगतिशील कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति समाज की परंपरागत मान्यताओं, आस्थाओं, विश्वासों, रूढ़ियों और नियमों के खूंटे से अपने आप को नहीं बांधता है, बल्कि वो देश काल की कसौटी पर उसको कसने की कोशिश करता है कि कहाँ इनकी आवश्यकता है, कहाँ नहीं है, ठीक है। और इसको कसने और परखने के अनंतर ही वो उसको एक अपने व्यवहार में लेकर के आता है, या उसको एक व्यवहारिक रूप देता है, ठीक है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रगति शब्द जो है वो जीवन से संपृक्त है, और इसके लिए एक इसका बहुत विशिष्ट महत्व है। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि प्रगतिवादी साहित्यिक आंदोलन का उद्देश्य जो था वो साहित्य में यथार्थवाद की संस्थापना था, और जीवन और समाज की वास्तविकता को साहित्य के यथावत चित्रित करके रासोन्मुख जो छायावादकालीन विकृतियाँ थीं और विसंगतियों को का मूलोच्छेदन, मैंने उसको जड़ से हटा देने की एक सर्वथा एक नवीन समाज और नए मानव और नव्य साहित्य की सर्जना करना इसका एक अभीष्ट उद्देश्य था। प्रगतिवाद का जो समय है वो मैंने बता दिया 1936 से 1943 ईस्वी। अब हम इसके थोड़े से परिवेश और प्रभाव पर बात कर लेते हैं। तो पहले परिवेश में सबसे पहले हम बात करेंगे वही अपने राजनीतिक परिवेश की। तो राजनीतिक परिवेश की अगर बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में जो साम्यवाद कहा जाता है, साहित्यिक क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। तो साहित्यिक आंदोलन से संबद्ध लोगों में ये प्रतिबद्धता जर्मन विचारक जो थे कार्ल मार्क्स, उनके द्वंद्वात्मक जो भौतिकतावाद से प्रेरित और प्रभावित होने के कारण आई थी। और इसके लिए कार्ल मार्क्स, लेनिन, वहाँ के मजदूर और किसानों द्वारा निर्मित सरकार या लाल सेना का आदर्श बनी थी। इसीलिए प्रगतिवाद को मार्क्सवादी चिंतन धारा या साम्यवादी दर्शन भी कहा जाता है। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के पदार्पण से जो एक नया तूफान आ गया, ठीक है, वो बहुत समय तक स्थायी नहीं था, क्योंकि अहिंसा के समर्थन प्रबल समर्थक थे और वो गांधी जी, और आर्थिक क्षेत्र में गांधी की जो नीतियाँ थी वो गरीब जनता को शीघ्र छुटकारा नहीं दिला पाई। तो 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हो चुकी थी। लेनिन ने मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद को व्यवहारिक स्वरूप देकर के रूस में किसानों, मजदूरों की सत्ता स्थापित कर दी थी, और भारतवर्ष पर उसका प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो गांधी की राजनीति उत्तराधिकारी, जो राजनीतिक उत्तराधिकारी
के तौर पर जाने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद लेनिन के प्रशंसक थे। तो इन परिस्थितियों में 1935 के आसपास भारतीय राजनीति में समाजवादी दल का उदय होने लग गया था। अगली जो कड़ी है इसमें वो है हमारे सामाजिक परिवेश की, ठीक है। तो डॉक्टर कृष्णलाल जो है वो हंस प्रगतिवादी काव्य साहित्य, हंस में एक लेख छपा प्रगतिवादी काव्य साहित्य, उस पर वो लिखते हैं कि सामाजिक यथार्थवाद जीवन को एक क्रिया, एक सृजन मानता है जिसका उद्देश्य है मानव की महान मूल्यवान क्षमताओं का प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अबाधित विकास करना, ताकि वह स्वस्थ और दीर्घायु रहते हुए इस पृथ्वी पर अधिक से अधिक आनंद प्राप्त कर सके। तो प्रगतिवाद काल में लोक जीवन दुखी था, इसका मतलब जनजीवन संतृष्ट था। समाज का सर्वसाधारण जन जो था वो पूंजीपतियों के शोषण, अन्याय और अत्याचारों से कराह रहा था। वो मैंने इसमें एक बहुत सेंटेंस एक इसमें सुनने को आपको मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा कि वो सड़े घूर के गोबर के समान बदबू से दबा था। ये किसने कहा है ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ये किसी कविता का एक अंश है, ये शायद केदारनाथ अग्रवाल की कविता है ये शायद, कि सड़े घूर के गोबर की बदबू से दबकर महक जिंदगी के गुलाब की मर जाती है, ठीक है। ये भी आप प्लीज़ इसको लिख करके बताइए कि ये किसकी कविता है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। तो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना वाले अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य का लक्ष्य केवल व्यक्तिगत विकास या मनोरंजन नहीं है, जीवन तथा समाज की छवियों को अपने में मूर्त करके मानव समाज का कल्याण करना है, साहित्य का लक्ष्य उन्होंने इसको माना। अगला जो है वो है साहित्यिक परिवेश, ठीक है। तो साहित्य पर साम्यवाद का प्रभाव जो है वो रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद ही, उसके बाद ही पढ़ने लग गया था, क्योंकि प्रेमचंद की प्रेमाश्रम आती है सबसे पहले 1922 में प्रकाशित हुई, जो सामंतवादी विचारधारा का एक प्रगतिवादी उपन्यास है। उपन्यास का नायक प्रेम शंकर जमींदारों को बीच का दलाल कहकर संबोधित करता है, ठीक है, और दूसरों की कमाई को अपनी जीवन, अपनी जीविका का आधार बनाने की प्रथा को जो है वो बहुत निंदा करता है। और सच पूछा जाए तो हिंदी साहित्य में प्रगतवाद की जो असली प्रवर्तक हैं वो प्रेमचंद ही हैं, लेकिन एक संगठित काव्यान्वयन के रूप में उसका विकास 1936 में हुआ, और 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयास से भारत में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना होती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हिंदी साहित्य पर साम्यवादी प्रभाव जो था वो रूसी क्रांति 1917 से ही पढ़ने लग गया था। ये बार बार मैं इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आपको इंटरव्यू में बहुत एक इम्प्रेसिव वो लगता है, और जब आप रूसी क्रांति की बात करते हैं तो प्लीज़ आप रूसी क्रांति क्या थी ये भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में इससे क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। तो उसका जो आरंभिक स्वरूप वो प्रेमचंद के उपन्यासों में दृष्टिगत होने लगता है। इसलिए 1936 में लखनऊ के जो प्रगतिशील लेखन संघ का जो पहला अधिवेशन के अध्यक्ष प्रेमचंद को ही बनाया गया, और वहाँ उन्होंने जो भाषण दिया उसको आज भी प्रगति का घोषणा पत्र कहा जाता है, ठीक है, जिसमें कि उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं कि हमें उस साहित्य की आवश्यकता है जो हमारी बदली हुई मान्यताओं, परंपराओं और मूल्यों के अनुरूप हो। साहित्य का लक्ष्य केवल व्यक्तिगत विकास अथवा मनोरंजन नहीं, जीवन तथा समाज के छवियों को अपने में मूर्त कर मानव समाज का कल्याण करना है। हमें उस कथन की आवश्यकता है जिसमें कर्म का संदेश हो, अतः अपने पथ पर अहमवाद तथा अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण की को प्रधानता देना वह वस्तु है जो हमें जड़ता और लापरवाही की ओर ले जाती है। हमारे लिए ऐसी कला की आवश्यकता न व्यक्ति रूप में उपयोगी है, न समुदाय रूप में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, ये प्रेमचंद का है, जिसको कि प्रगति का घोषणा पत्र कहा गया है। 1938 में कलकत्ता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन होता है रविन्द्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में। फिर 1939 में तीसरा विश्व युद्ध के आरंभ होने तक, जो तीसरा विश्व युद्ध 1939 में जब आरंभ होने से क्या हुआ कि यूरोप के साथ बहुत सारे देश इसके प्रभाव में आ गए। तो विश्व युद्ध ने बहुत ज़्यादा जनधन की हानि की, और सन 1942 में प्रगतिशील लेखक संघ का तीसरा अधिवेशन दिल्ली में होता है, जिसे कि फासिज्म विरोधी सम्मेलन कहा जाता है। सन 1943 में चौथा सम्मेलन बम्बई में हुआ, इसकी अध्यक्षता श्रीपाद अमृत डांगे ने की। 1950 में पांचवा अधिवेशन बम्बई
में अन्ना भाऊ साठे की अध्यक्षता में होता है। 1953 में छठवां अधिवेशन फिर दिल्ली में होता है। फिर 1968 में सातवां अधिवेशन सातवां सम्मेलन जो था वो डॉक्टर निहार रंजन रे की अध्यक्षता में होता है। लेकिन धीरे धीरे इसमें बिखराव आने लगा और आगे ये बहुत आगे तक ये आयोजन नहीं बढ़ सका। 1947 में महापंडित राहुल संकृत्यायन की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का निर्माण 1947 ईस्वी में महापंडित राहुल संकृत्यायन की अध्यक्षता में होता है। फिर राहुल जी इसके अध्यक्ष रहते हैं और उन्होंने कहा कि प्रगतिवाद कोई कल्ट या संकीर्ण संप्रदाय नहीं है। प्रगतिवाद का काम है प्रगति के रास्ते को खोलना। प्रगतिवादी कलाकार परतंत्रता का शत्रु है। प्रगतिवाद कला की अवहेलना नहीं करता, यह तो कला और उच्च साहित्य के निर्माण में बाधक रूढ़ियों को हटा करके सुविधा प्रदान करता है। यह रूढ़िवाद और कूप मंडूकता का विरोधी है। ठीक है, तो ये थी इसकी साहित्यिक परिवेश। प्रकृतिवाद की अब कुछ सामान्य प्रवृत्तियां देख लेते हैं। तो प्रेमचंद ने एक महाजनी सभ्यता नामक अपने एक बहुत प्रसिद्ध उनका निबंध है, उसमें उन्होंने लिखा है कि महाजनी सभ्यता के बारे में तो सारे कामों की गरज महज पैसा होता है और किसी देश में, ये मुझे ठीक से कोटेशन याद नहीं है, आप देखिएगा अगर आपको मिल जाए महाजनी सभ्यता नामक ये निबंध, तो उसमें है ये कि और किसी देश में राज्य किया जाता है तो इसलिए कि महाजनों पूंजीपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा नफा हो। और इस दृष्टि से आज की दुनिया में महाजनों का ही राज्य है और मनुष्य जो है वो समाज को दो भागों में बट गया है, मनुष्य समाज जो है, और बड़ा हिस्सा तो मरने और खपने वालों का है और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का है जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदाय को अपने वश में किए हुए हैं। और इन्हें इस बड़े भाग के साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं है, जरा भी रू रियायत नहीं है। और शासक वर्ग के विचार और सिद्धांत शासित वर्ग के भीतर भी समा गए हैं और जिसका फल ये हुआ कि हर आदमी अपने को शिकारी समझता है और समाज और शिकार है समाज। ठीक है, तो ये मैंने कोटेशन इसलिए महाजनी सभ्यता का मैं जिक्र इसकी विशेषता के पहले मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें आपको वो सारी सामाजिक जो असमानताएं थी या वो देखने को आपको मिल जाती हैं, उसकी एक झलक आपको इस कोटेशन में ही देखने को मिल जाती है। तो इसकी जो सबसे पहली प्रवृत्ति आती है वो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष। अब आप सोच सकते हैं कि क्यों, इसीलिए मैंने इसको कहा, इसका कोटेशन दिया कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष क्यों था व्यक्ति के अंदर। तो ये जो मैंने ऊपर उदाहरण दिया है कि इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि जनजीवन जो था वो बहुत संतरस्त था। ठीक है, पूंजीपति वर्ग सामाजिक रूढ़ियों और थोथी मान्यताओं द्वारा भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण करता था। केदार कहते हैं कि सड़े, हाँ देखिए केदारनाथ की ही है ये पंक्तियाँ ना, कि सड़े घूरे घूर की गोबर की बदबू से दबकर महक जिंदगी गुलाब की मर जाती है। तो देश की एक भूखमरी और दरिद्रता ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। फिर निराला कहते हैं कि वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर, भिक्षुक कविता है ये, बहुत सुंदर कविता है कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक मुट्ठी भरदाने को, भूख मिटाने को मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, है ना, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, भिक्षुक कविता। इतनी सुंदर कविता, इस प्रकार की सामाजिक अव्यवस्था से पीड़ित लोक जीवन की करुण पुकार और हृदय विदीर्ण कर देने वाली कविता है ये। अगली जो विशेषता है वो है सामाजिक यथार्थवाद पर बल। तो छायावाद की कल्पना जो थी, कल्पना प्रधानता, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रगतिवादी कविता ने सामाजिक यथार्थ के चित्रण को मूल मंत्र के रूप में स्वीकार किया और प्रगतिवादी रचनाकारों ने पूंजीवाद और अधिनायकवाद से पीड़ित समाज के यथार्थ पर आधारित वर्णन का विशेष जो वर्णन था उस पर विशेष बल दिया। और जीविका के लिए शहर भाग करके आए मजदूरों के प्रति केदारनाथ सिंह की एक बहुत सुंदर कविता है, कुली मजदूर हैं बोझा ढोते हैं खींचते हैं ठेला, धूल धुआं घाम से पड़ता है पाला, थके मांदे जहां तहां हो जाते हैं ढेर, सपने में भी सुनते हैं धरती की धड़कन।
बहुत सुंदर पंक्तियाँ, विषमता की पीड़ा ने जो जनजीवन को बहुत अस्त व्यस्त कर रखा है और नारी की विवशता उसको कहाँ ले जाकर पटकती है, वेश्या कविता आप याद कीजिए, केदारनाथ अग्रवाल, मुझे बार बार ये केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील साहित्य में, चूंकि मैंने केदारनाथ को बहुत पढ़ा है तो इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है वो जो कविता मैं बार बार कह रही हूँ कि सड़े घूर के गोबर की बदबू से दबकर महक जिंदगी के गुलाब की मर जाती है, ये केदारनाथ सिंह की ही है, लेकिन फिर भी आप खोजिएगा क्योंकि इसके लिए मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ कि केदारनाथ की ही है या नहीं है। तो ये जो है नारी की वेश्या कविता की बात हम कर रहे थे कि भूख की करालता में स्थित तो खूब बैठी वह, किंतु हुई फिर भी क्या उदर की पूर्ति, कामुक नरों ने चुभाई तेज छुरियाँ, मृत सी शोक में विषाद में पड़ी रही। इसी तरीके से फिर जो अगली विशेषता है वो साम्यवादी व्यवस्था का यशोगान है। तो प्रगतिशील रचनाकारों को भारतीय समाज में जो व्याप्त पूंजीवादी सामंती व्यवस्था के निर्मूलन के लिए साम्यवादी सिद्धांत जो था वो अधिक उपयुक्त प्रतीत हो रहा था और इसलिए बहुत से प्रगतिवादी कवियों का जो काव्य है वो साम्यवादी यशोगान से आपको अप्लावित मिलेगा। और इसके परिप्रेक्ष्य में रांगे राघव का जो अजेय खंडहर प्रबंध काव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और रांगे राघव ने रूस के गरीबों का मसीहा माना है और वे जहाँ के ध्वज की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि लाल झंडा लाल तारा लाल सेना घर उसका, वह समाधि हृदय हृदय की आज अभिवादन कर रही, वह गरीबों का मसीहा दीप सा अब भी चमकता, क्रांति के इस कठिन पथ पर एक आशा बन चमकता। ठीक है, फिर अगली जो विशेषता है यह है विश्व बंधुत्व की भावना। 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन काल के कारण जो है वो पूरे देश में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के कारण विश्व में जो उतल पुतल थी उसके परिणाम स्वरूप प्रगतिशील कवियों में राष्ट्रीय भावना के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रेम का भाव उमड़ पड़ा। तो साम्यवाद के कट्टर हिमायती थे डॉक्टर रामलीला शर्मा, वो अपने देश के प्रति बहुत अगाध प्रेम रखते हैं और उनकी अपने राष्ट्रीय ध्वज के उत्तरोत्तर उत्कर्ष की मंगल कामना करते हुए कहते हैं कि और भी ऊंचा उठे फहरे समूचे देश पर, यह खेत खलिहानों मिलों पर झूमता हो, यह कह रहा है यह तुम्हारे खेत हैं, अब अन्न दो भूखा न कोई देश में हो। ये विश्व बंधुत्व की भावना, बहुत सुंदर भावना की पंक्तियां हैं ये। पांचवा है आपका साम्राज्यवाद सामंतवाद और पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति विद्रोह। तो मार्क्स जो है वो समता और स्वतंत्रता का पुजारी था, तो सामंतवादी व्यवस्था जो है वो सदैव समानता की विरोधी रही है। पंडितों मठाधीशों मुल्लों मौलवियों और पादरियों ने जो धन के लालच में इन्हीं का हमेशा समर्थन किया, तो निराला उनका विरोध करते हुए कुकुरमुत्ता कविता लिखते हैं और कहते हैं, अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर गई गर पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, बहुतों को तूने बनाया है गुलाम माली पर रखा खिलाया जाड़ा घाम, है ना। तो पूंजी पतियों के हाथों गिरवी जो कांग्रेसी सरकार थी उसकी उपेक्षा करते हुए केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं कि थैली शाहों की गोदी में लक्ष्मी के गलहार में सोना चांदी के खन खन में काले चोर बाजार में रक्षा के कानून बनाए शोषण के उपकार में राज करो जी राज करो जी दिल्ली के दरबार में स्थान धरो जी अपनी राज कटार में। तो ये सभी बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण हैं इसके। आगे बढ़ते हैं, अगला जो विशेषता है वो शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं क्रांति का आह्वान। तो मार्क्स के तरीके से ही प्रगतिवादी भी रक्त क्रांति की हिदायती थे और उनका मानना था कि संपूर्ण विश्व का जो सर्वहारा वर्ग है वो सुख शांति में जीवन तभी व्यतीत कर सकेगा जब शोषकों का समूल विनाश हो जाएगा। केदार जी लिखते हैं कि हे दधीच शक्ति का डंका बजाओ, शांति का उल्लास में सूरज उगाओ, लाल सोने का सबेरा चमचमाओ, लेखनी के लोक में आलोक लाओ। नागार्जुन कहते हैं युवा शक्ति की क्रांति के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि तन जर्जर है भूख प्यास से, व्यक्ति व्यक्ति दुख दैन्यग्रस्त है, दुविधा में समुदाय पस्त है, लो मशाल अब घर घर को आलोकित कर दो। और शोषितों के प्रति निराला कहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, न कोई छायादार पेड़ वह
जिसके तले बैठी हुई स्वीकार श्याम तन भर भर बंधा यौवन नत नत नयन प्रिय कर्म रत तन और और है गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रवाह। तो ये सभी बहुत बहुत सुंदर उदाहरण है, आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। अगली जो विशेषता है वो युगानुकूल परिवर्तन और नवनिर्माण की आकांक्षा। तो प्रकृतिवादियों ने पुरातनता का बहुत तीव्र विरोध किया और नवनिर्माण की मंगल कामना की, और पंत की जो युगांत युगवाड़ी जो पुस्तकें हैं वो इन्हीं भावों से परिपूर्ण रचनाएं हैं। और उनकी प्रसिद्ध जो है वो कविता प्रसिद्ध कविता जो थी वो थी द्रुत झरो, जिसकी कि इसके पहले भी मैंने शायद चर्चा की है। और प्राचीन रूढ़ियों के समापन और वसंत के रूप में नए युग का आगमन की प्रतीक्षा है। और युगवाड़ी के में पंत कहते हैं कि साक्षी है इतिहास आज होने को, पुनः युगांतर श्रमिकों का शासन होगा, यह उत्पादन यंत्रों पर वर्गहीन सामाजिकता देगी सबको धन सबको, सब साधन पूरी तो होंगे जन के अब जीवन के निखिल प्रयोजन। त्रिलोचन कहते हैं लोक जन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि नवजीवन के जन आओ आओ, नवजीवन के जन आगे आओ, नव निर्माण करो तुम जग का, जीवन का समाज का मन का। इसी तरीके से फिर जो आगे जो अगली विशेषता आ जाती है हमारी वो है मानवीय शक्ति पर दृढ़ आस्था। तो प्रगतिवादी मानव संसार को या ये कि मानव संसार की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और उसकी अपरिमित शक्ति या अदम्य साहस और अटूट लगन के बहुत वो गीत हमेशा इसके गीत गाए जाते हैं। और उनकी दृष्टि में ईश्वर अथवा भाग्य का कोई स्थान नहीं है, और उन्होंने जन शक्ति को हमेशा महान स्वीकार किया है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की ईश्वर विरोधी पंक्तियां हैं कुछ कि आज भी जन जिसे करबद्ध होकर याद करते, नाम ले जिसका गुनाहों के लिए फरियाद करते, किंतु मैं उसका घृणा की धूल से साक्षात्कार करता। रामेश्वर शुक्ल अंचल की कविता है ये। महेंद्र भटनागर कहते हैं सामने तूफान है पर बड़ा इंसान है, बैर से जिसने मिटा दी संकटों की सृष्टि सारी। तो ये सभी इसके उदाहरण है मानवीय शक्ति पर दृढ़ आस्था के। फिर अगली है नारी स्वातंत्र्य की पुकार। तो प्रगतवादियों ने शोषितों प्रवंचितों उपेक्षितों और पद दलित वर्ग के अंतर्गत नारियों को भी रखा, और क्योंकि वह युग युग से एक तरीके से पुरुष के अधिकार सीमा में बंदी सी रही, और वो वासना पूर्ति का माध्यम, संतानोत्पत्ति की मशीन या चौकी की व्यवस्थापिका और निःशुल्क गृह सेविका की मात्र बन करके रह गई। तो अंचल ने लिखा माता बनी धूर दूध भर आया किंतु न भरता पापी पेट, जननी बनकर भी पशुओं के आगे नग्न सकेगी लेट। पुरुषों ने ही नारियों को प्रतिभ्रष्ट किया और वो स्वावलंबी हो तभी उसका मुक्ति संभव है, ऐसा मानते हैं पंत। और पंत ने नारी उद्धार के लिए आवाज़ उठाई और कहते हैं मुक्त करो नारी को, सर्जक प्रिय पत्नी प्यारी को, नारी को सर्वाधिक दीन स्थिति में अथवा उसको विधवा हो जाने पर होती है, उसकी निराला परिमल के अंतर्गत विधवा शीर्षक लिखते हैं। और वो कहते हैं वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी, शांत भाव में लीन, वह क्रूर काले तांडव सी, स्मृति रेखा सी, वह टूटे तर की छुटी छुटी लता सी, दीन दलित भारत की ही विधवा है। तो ये विशेषताएं रहीं, और इसके बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण भी आप देख रहे हैं। इसमें जो अगली चीज़ है वो है कला के प्रति जो है नवीन दृष्टिकोण, जो आखिरी विशेषता है इसकी, वो आखिरी नहीं है, मैंने मेरे उसमें आखिरी है, इसमें और भी बहुत सारी आपको विशेषताएं, आप जब कविताएं पढ़नी शुरू करेंगे, रचनाएं इस समय की पढ़नी शुरू करेंगे, आपको अनेकानेक बहुत सारी नई नई विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। कला के प्रति नवीन सौंदर्य नवीन दृष्टिकोण। तो प्रगतिशील कवियों ने अपने समाज हित के लिए या समाज हितकारी विचारों को जन जन को ग्राह्य बनाने के लिए सहज सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया, और शब्द शिल्पी पंत कहे गए, और उन्होंने भी संस्कृत शब्दों अथवा सुकुमारता व्यंजक शब्दों के स्थान पर बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग किया। निराला की भिक्षु कविता की भाषा सबका आदर्श बन गई। 20वीं शताब्दी के अधिकांश अवधि काव्य में आप प्रगतिवादी विचारों की अनुगूज आपको बहुत सरलता से सुनाई देने लगेगी। बलभद्र प्रसाद पढ़ीस, वंशीधर शुक्ल, रमई काका, ये सभी अवधि के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, इन सब की कविताएं इसका प्रमाण बन करके सामने आती हैं। भोजपुरी और राजस्थानी में भी जन कवियों ने सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया। फिर काव्यकार कल्प
के रूप में पिंगल शास्त्र में निरूपित छंदों के स्थान पर जन गीतों, लोक गीतों, लोक धुनों को अपनाकर युगानुकूल प्रगत परक और भावों को व्यक्त किया गया। पंत कहते हैं कि खुल गए छंद के बंध, प्रास के रजत पाश, अब गीत मुक्त और युगवाड़ी बहती अयास। प्रगतवादी कविता जन सामान्य तक पहुंचे, इसके लिए कवियों ने शब्दालंकार या अर्थालंकार की बैसाखी लगानी आवश्यक नहीं समझी और उन्होंने सहज अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। पंत जी ने जनमन में अपने भावों को उतारने के लिए अलंकारों की चमक दमक को व्यर्थ कहा। वो कहते हैं कि तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाड़ी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ठीक है, तो प्रगतिवादी कवियों ने कलात्मकता की बजाय आप ये कह सकते हैं कि प्रेषणीयता पर ध्यान दिया और इस तरीके से इन कवियों ने कला की उपयोगिता समाज के लिए एक तरीके से प्रतिपादित की। तो ये हो गई प्रमुख विशेषताएं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रगतिवाद और प्रगतिशील साहित्य में कि इसमें क्या अंतर है मुख्य रूप से। तो जो इसके प्रमुख अंतर हैं ये मैंने चार पॉइंट्स में लिख दिए हैं। जहां आपको नहीं समझ में आएगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं बहुत शॉर्ट कर रही हूँ इसको थोड़ा। मार्क्सिस्ट सौंदर्य शास्त्र का नाम जो है वो प्रगतिवाद है और आदिकाल से लेकर अब तक की जितनी साहित्य परंपरा है वो प्रगतिशील साहित्य है। ठीक है, तो जो मार्क्सिस्ट सौंदर्य शास्त्र है वो प्रगतिवाद है और आदिकाल से लेकर के अब तक की जितनी साहित्यिक परंपरा जो भी चलती चली आई है वो प्रगतिशील साहित्य है। ठीक है, प्रगतिशील क्या है, प्रगति का क्या अर्थ है ये मैंने शुरू में बताया है, उसको ध्यान में रखते हुए इसकी आप व्याख्या कीजिएगा। अगला है, प्रगतिवाद जो है वो संकीर्ण और सांप्रदायिक है जबकि प्रगतिशील साहित्य जो है वो बहुत व्यापक है और उदार है। प्रगतिवाद जो है वो कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारता से पूर्णतः संबंध है जबकि मार्क्सवादी साम्यवादी जो विचारधारा है उससे वो स्वतंत्र है। ठीक है, मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा से तो वो संबंध है लेकिन जो मार्क्सवादी साम्यवादी विचारधारा है उससे वो स्वतंत्र है या उससे अलग है, आप ये ऐसा कह सकते हैं। प्रगतिवाद जो है वो मार्क्सवादी साहित्य के सिद्धांत के अनुसार रचित साहित्य है जबकि प्रगतिशील साहित्य जो है वो छायावाद के पश्चात सामाजिक यथार्थवाद के आधार पर रचित साहित्य जिसमें मानवतावाद के प्रमुख स्वर देखने को मिलते हैं। अगला है प्रगतिशील लेखक संघ, जिसके विषय में मैंने इसके ऊपर बता दिया है और उसके विषय और उसी को मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे नोट करके दे दिया है कि 1935 की, ये आपको भूले ना, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। 1935 में पहला मैं भारतीय लेखक संघ की स्थापना मुल्कराज आनंद सज्जाद, जो कि मैंने इसके पहले शुरू में बताया है और वो वही सारी चीज़ें यहाँ पर रिटर्न में लिखी हुई हैं कि किसकी अध्यक्षता में कब कौन सा सम्मेलन हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं प्रगतिवादी कवियों के विषय में, थोड़ा सा कवियों और इनकी रचनाओं के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर कुल 8 कवि हैं प्रगतिवादी। तो जो पहले पहला नाम जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत का, 1900 से 1977 इनका समय काल है। पंत और निराला जो है वो प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवियों के में मान्य हैं और युगवाड़ी 1939 में आई, उनकी ग्राम्या 1940 में आई। ये दोनों जो हैं वो पंत की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। परिवर्तन कविता में पंत ने प्रगतिवाद का एक तरीके से बीज दिखाई देता है और उनकी जो ताजमहल शीर्षक से कविता जो है वो प्रगतिवाद का शंखनाद मानी जाती है। ठीक है, अगला है नाम निराला का, 1897 से 1962। तो छायावाद के अंत के बाद से निराला जो है वो आद्यंत प्रगतिवादी कवि रहे। कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, ये सब इनकी प्रगतिवादी रचनाएं रहीं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे दिनकर, 1908 से 1974 राष्ट्र कवि इनको उपाधि दी गई थी। राष्ट्र कवि दिनकर की जो हुंकार 1938 में आती है ये प्रगतिवाद का स्वर बुलंद करती है और वह अन्याय मिटाने हेतु ईश्वर को भी चुनौती देते हैं। सिंहासन खाली करो की चिंता आती है। प्रकाश चंद्र गुप्त दिनकर की हुंकार से प्रगतिवाद का प्रवर्तन मानते हैं। अगले हैं हमारे केदारनाथ अग्रवाल, 1911 से 2000 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल की नींद के बादल पहली कृति, इसमें प्रगतिवाद और छायावाद का समन्वय है। तो युग की गंगा जो इनकी पहली प्रगतिवादी काव्य रचना है, इसकी इनकी अन्य जो प्रगतिवादी रचनाएं लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, लोक और आलोक में क्रांति का आह्वान है, तो बसंती हवा, माझी न बजाओ वंशी शीर्षक कविताएं जो हैं वो फूल नहीं रंग बोलते हैं। रचना काव्य संग्रह जो है इनका, जो रचना संग्रह है उसकी बहुत एक स्मरणीय उपलब्धियाँ आप कह सकते हैं कि उस तरीके से हैं।
केदारनाथ अग्रवाल का मैंने कहा कि उस पर चूँकि मैंने काफ़ी केदारनाथ अग्रवाल पर अध्ययन किया है, तो इसलिए केदारनाथ अग्रवाल का ये जो स्वगत कथन ये बहुत महत्वपूर्ण होता हो जाता है कि कविताई न मैंने पाई न चुराई, इसे मैंने जीवन जोत कर किसान की तरह बोया और काटा है, यह प्राण से भी मुझे अधिक प्यारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है अगला नाम जो है वो नागार्जुन का है, 1911 से 1998। वैद्यनाथ मिश्र इनका वास्तविक नाम था और मैथिली में इनको यात्री नाम से ये कविता करने वाले। नागार्जुन की प्रगतिवादी रचनाओं में बादल को घिरते देखा, सिंदूर, तिलकित भाल, चनाचोर गरम, प्रेम का बयान, खून और शोले, पाषाणी, चंदना, फिर रविंद्र के प्रति, ये सभी कविताएं इनकी बहुत बेजोड़ कविताएं हैं। यात्री नाम से लिखने वाले नागार्जुन ने 1937 ईस्वी में बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद से अपना नाम नागार्जुन रखा था और इन्होंने राहुल से प्रेरित होकर के राजनीतिक क्षेत्र में और निराला से प्रेरित होकर के साहित्य जगत में कदम रखा था और राजनीतिक दृष्टि से साम्यवादी और साहित्यिक दृष्टि से जनवादी विचारधारा के कवि जो हैं वो नागार्जुन, श्रीलंका, तिब्बत, वर्मा, इन सभी देशों की इन्होंने यात्राएँ की थी। अगला जो नाम है वो शिव मंगल सिंह सुमन का है, 1916 से 2002 ईस्वी इनका कालचक्र है। सुमन जी विरचित जीवन के गान, माने सुमन जी का जो के द्वारा रचित जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, ये सभी रचनाओं में प्रगतिवादी स्वर देखने को मिलते हैं। इनकी मेरा देश जल रहा है, कोई नहीं बुझाने वाला शीर्षक कविता बहुत लाजवाब कविता है, ज़रूर पढ़िए। इनकी आँखें भरी भरी, बापू के निधन पर, ये सभी कविताएं इनकी प्रसिद्ध हैं और उल्लेखनीय भी हैं। ठीक है, अगला जो नाम आता है वो आता है रामविलास शर्मा का, 1912 से 2000 ईस्वी और प्रगतिवादी समीक्षक के रूप में ख्यात हैं शर्मा जी और रूप रंग रचना मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत एक प्रसिद्ध रचना है इनकी और इनकी ऋतु संहार रचना में बहुत से मैंने विभिन्न ऋतुओं का निरूपण हुआ है और इनकी कविताएं तार सप्तक जिसके कि आगे संपादक रहे उसमें संग्रहित हैं जो सत्यम शिवम सुंदरम का बोध कराती हैं। शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, उसको विस्तार से पढ़िए समझ में आएगा आपको। अगला है नरेंद्र शर्मा, 1913 से 1981 ईस्वी। तो प्रगतिवादी कवियों में महत्वपूर्ण रहे नरेंद्र शर्मा, कुछ आलोचकों की दृष्टि में फैशनेबल प्रगतिशील कहे जाते हैं लेकिन इनकी मिट्टी और फूल काव्य रचना जो है वो आलोचकों की बोलती बंद कर देती है और उसके लिए ये पर्याप्त है। तो ये हो गए हमारे 8 प्रमुख प्रगतिवादी कवि, तो इस तरीके से हमने कवर कर लिया आज छायावाद और प्रगतिवाद। नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्रयोगवाद और नई कविता पर। ठीक है, तो तब तक के लिए आज के लिए बस यही इतना ही। हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़रूर से ज़रूर और ख़ास तौर पे उन लोगों तक इनको पहुँचाइए जो कि बहुत ज़्यादा नीडी हैं इसके, जो कि उस तबके से आते हैं जो कि चूँकि हम सभी प्रगतिशील साहित्य की और साम्यवादी विचारधारा की बात कर रहे थे तो प्लीज़ इन्हें उन तक पहुँचने का मौका दीजिए शेयर करके, जिससे कि ये उन लोगों तक पहुँच सके जो कि बहुत नीडी हैं और जिनको कि इसकी आवश्यकता है, इस तरीके के कंटेंट्स की, मटेरियल्स की, जिनको कि किताबें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं लेकिन इंटरनेट उपलब्ध है और वहाँ से वो पा सकते हैं इसको। तो उन तक इनको ज़रूर आप पहुँचाइए शेयर करके और तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।